भारतीय समाज पार्टी की मंडलीय समीक्षा बैठक काशीराम नगर पार्टी कार्यालय मुरादाबाद पर संपन्न हुई, जिसमें बोलते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष पांडे ने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के गुण समझाए। संगठन को कैसे बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा, इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तैयारी बूथ स्तर तक कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की गई। अधिक से अधिक सदस्य बनाने पर जोर दिया गया, जिसमें पार्टी को मजबूत किया जा सके। संतोष पांडे ने संगठन को बूथ स्तर तक ले जाने के लिए दिशा निर्देश दिए एवं उपस्थित अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद एवं संबल जिला अध्यक्षों से कहा कि एक माह के अंदर आप अपनी कमेटी विधानसभा स्तर तक बना करके दें। उसके बाद हर जनपद के जनपद बार संगठन की समीक्षा बैठक की जाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की सोच है कि गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको एक समान शिक्षा लागू हो, स्वास्थ्य सबको फ्री में उपलब्ध हो, किसानों को बिजली 5 आवर्स पावर तक फ्री दी जाए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र कश्यप, राजकीय सचिव शिवपाल यादव, मंडल अध्यक्ष करतार सिंह, जिला अध्यक्ष सतपाल तोमर, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद राजपाल सिंह, जिला अध्यक्ष संबल मनोज भास्कर, जिला अध्यक्ष बिजनौर रमेश सिंह आदि ने भी संगठन को कैसे तैयार किया जाए, इस संबंध में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। बैठक में मुख्य रूप से मनोज वर्मा, आकाश, तरन्नुम, गौतम, नसीम, मुजनबी, अक्षय, आफ्ताब, चंद्रपाल सिंह, चंद्रशेखर, आदेश कुमार, मनोज वर्मा, नरेश कुमार, राशिद, शकील अहमद, मोहम्मद आलम, नरेश सिंह आदि मौजूद रहे। पार्टी की तरफ से आप यहाँ पे आए, क्या उद्देश्य है आपका? जिस तरीके से पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक मजबूती के साथ खड़ी है, वही उद्देश्य लेकर हम पश्चिम में आए हुए हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा को यहाँ गांव गांव फैलाकर पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में बैठाना यह हमारा मूल उद्देश्य है। तो आने वाले चुनाव में क्या नीति रहेगी? आने वाले चुनाव अभी तो हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष के गठबंधन मजबूत करके चुनाव लेंगे। तो क्या रणनीति रहेगी? मैं यहाँ पे गठन की बात अभी तो संगठन की गठन की बात चल रही है जी। अभी हम पश्चिम के सभी जनपदों के जिला अध्यक्ष घोषित हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष घोषित हो गए हैं, अब हमारे नीचे कार्य कैसे होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। विषय पार्टी की समीक्षा बैठक का। आज मुरादाबाद जनपद, मुरादाबाद मंडल में पांचों जनपदों की समीक्षा बैठक हो रही है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा दिशा निर्देश पर हम लोग पांचों जनपदों के जिलाध्यक्ष आए हैं। यहाँ पे कार्यकर्ता लोग आए हैं, उनको संदेश देंगे कि किस तरीके से हम लोग हर विधानसभा में और ब्लॉक में बूथ पर गठन किया जाए और गठन करके हम लोग 2024 का लक्ष्य आगे, इसलिए हम लोग अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आज मुरादाबाद मंडल में आए हुए हैं। तो क्या करना क्या चाहेंगे अपने लोगों से? देखिए, अपने लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सोच है, एक शिक्षा समान शिक्षा, एक से लेके एमए तक की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, घरेलू बिजली फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होनी चाहिए गरीब लोगों के लिए, और जात वाई जनगणना होना चाहिए, जिस जात की जितनी जितनी जनसंख्या है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आज फैल चुके हैं और आज उनको जन जन सुनने के लिए तैयार है पूरे प्रदेश, पूरे देश की जनता। इसलिए विपक्ष में आज नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नाम से सभी लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं आज मुरादाबाद मंडल में अपना संगठन मजबूत करने के लिए, 2014 की रणनीति बनाने के लिए। 24 में आज ही समीक्षा बैठक की गई है। ये सुनिए, भारतीय समाज की बैठक मंडल स्तरीय पांचों जिलों की बैठक आज जो है माननीय प्रेमचंद कश्यप जी की अध्यक्षता में हो रही है और इसके हमारे मुख्य अतिथि माननीय संतोष पांडे जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं एवं संगठन प्रभारी भी हैं पूरे राष्ट्र के, उन्हीं के मुख्य जो हमारे अध्यक्ष हैं आज, उनके क्या कहना चाहिए, उनके संरक्षण में हो रही है और दिशा निर्देश दे जा रहे हैं कि हम विधानसभा स्तर पर किस तरह अपने पदाधिकारी तैयार करें
और किस तरह हम अपने ग्राम स्तर पर जाएं, बूथ स्तर पर जाएं, ये सब आज पूरे मंडल के मुख्य पदाधिकारियों को बुलाकर उन्हें एक तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है।